दोस्तों आज जो है आप लोग की मैट्रिक यानी कि सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो है आप लोग की आज परीक्षा है। इससे पहले जो है यहाँ पर सारा का सारा प्रश्न पत्र जो यहाँ पर वायरल हो चुका है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है सारा का सारा यहाँ पर प्रश्न पत्र को जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। सारा का सारा प्रश्न जो यहाँ पर वायरल हो चुका है, तो चलिए यहाँ पर जो फटाफट से सारा का सारा प्रश्न पत्र को जो यहाँ पर एंसर की देख लेते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए, चलिए यहाँ पर फटाफट से जो है देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक जो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल बेल घंटी आ जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे, आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो फटाफट से देख लेते, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन निकल कर आ रही है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो यूरोप का मरीज जो है यहाँ पर किसे कहा जाता था, तो तुर्की को, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दो नंबर निकल कर आ रही है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो ये जो की थी यहाँ पर मेजनी ने की थी, राइट आंसर जो है ये सही। आप लोग को ध्यान रखना है, सारा का सारा यहाँ पर वो प्रश्न जो यहाँ पर वायरल हो चुका है आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तीन नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है यहाँ पर 8 मार्च को मनाया जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं चार नंबर प्रश्न जो दिया गया है, अप्रैल थीसिस यहाँ पर किसने लिखी, अप्रैल थीसिस किसने लिखी, तो ये जो लिखी थी यहाँ पर लेनिन ने लिखी थी, तो राइट आंसर आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न निकल कर आ रहा है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो 1991 ईस्वी में, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, डाउट नट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9 से 12 बच्चों के लिए चल रही ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न है, अकोरवाट में किस हिंदू देवता का जो है मंदिर है, अकोरवाट में किस हिंदू देवता का जो है मंदिर है, तो ये जो है आप लोगों की विष्णु, यानी कि जो है विष्णु की जो है विष्णु देवता की जो है मंदिर अकोरवाट में स्थित है, तो राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। अकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु देवता का जो है कोरवाट में मंदिर है, राइट आंसर ये सही, आप लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर जो 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो ये जो दी थी यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, राइट आंसर ये सही, आप लोग को ध्यानपूर्वक सारा का सारा देखते चलिए फटाफट से। 8 नंबर प्रश्न, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर हो जाएंगे 26 जनवरी 1930 ईस्वी में, 8 का राइट आंसर जो है आप लोग को क्या सही है, तो यहाँ पर जो ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है, यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर यहां पर है, महानदी पर है हीराकुंड परियोजना, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न, यहां पर जो है 10 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था, तो ये जो हुआ था यहां पर आप लोगों की पटना में, तो राइट आंसर जो है आप लोग को बी सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहां पर जो है 11 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को जो है करती थी, तो ये जो करती थी यहां पर चीन को, तो राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, यहां पर जो है 12 नंबर प्रश्न, रूसो किस देश का दार्शनिक था, रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो ये जो था यहाँ पर आप लोग को कहाँ का था, तो ये जो है यहाँ पर फ्रांस का था, राइट आंसर आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर जो है 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है नवीकरणीय संसाधन है, निम्नलिखित में कौन जो है नवीकरणीय संसाधन है, तो ये जो है आप लोगों की जल हो जाएंगे, राइट आंसर जो है सी सही है, जल जो है नवीकरणीय संसाधन है, तो राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 14 नंबर निकल कर आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है आप लोगों की क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो आप लोग को हो जाएंगे गुजरात में जो है जामनगर तेल शोधक कारखाना
ई ए जो है यहाँ पर स्थित है, राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर जो है 15 नंबर निकल कर आ रही है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तो तारापुर परमाणु जो है विद्युत केंद्र जो है आप लोगों की क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो आप लोगों को बी सही यानी कि महाराष्ट्र, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर जो है 16 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन स्टॉकहोम और मास्को और पेरिस और यहाँ पर न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग जो है वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आ रही है, यहाँ पर 1992 ईस्वी में जो है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था आप लोगों की हो जाएंगे यहाँ पर रियो डी जनेरियो में, राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही है, रियो डी जनेरियो में जो है हुआ था 1922 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर रियो डी जनेरियो में, राइट आंसर आप लोग को डी सही है। चलिए आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो ये जो राज्य राज्य है हो जाएंगे आप लोगों को क्या 18 का राइट आंसर जो आप लोगों को झारखंड हो जाएंगे, बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, तो ये जो राज्य हो जाएंगे आप लोगों को पश्चिम बंगाल, राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था, तो 1923 ईस्वी में, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 21 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई, तो भारत में हरित क्रांति जो है 1966 ईस्वी में जो है शुरू हुई, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 22 नंबर प्रश्न है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, तो ये जो है कपास है, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, इसका हो जाएंगे यहाँ पर लखनऊ और बी दिया गया पटना और यहाँ पर कानपुर दिया गया है और भागलपुर दिया गया है। क्वेश्चन जो है रेशमी वस्त्र उत्पादन का जो है प्रमुख केंद्र है, अगर इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा आप लोग को रॉन्ग आंसर बताने से, यहाँ पर जो है आप लोग की यहाँ पर आप लोग की यहाँ पर क्योंकि जो यहाँ पर आप लोग की फ्यूचर का सवाल है, यहाँ पर मैं रॉन्ग आंसर नहीं बता सकता, इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोग को पता है तो वीडियो के नीचे जो है इसका आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर देख सकते हैं, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ, पटना और कानपुर, भागलपुर दिया गया। अगर आप लोग को पता है तो वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं और भी छात्र छात्राओं को यहाँ पर हेल्प मिल सकेगा। तो चलिए यहाँ पर जो है 24 नंबर प्रश्न, उर्वरक कारखाना अवस्थित है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है, तो उर्वरक कारखाना जो अवस्थित है यहाँ पर बरौनी में है, राइट आंसर आप लोग को ये सही है 24 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 25 नंबर दिया गया है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी, तो ये जो आवाज़ उठाई थी यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग ने उठाई थी, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है कहा जाता है यहाँ पर ए दिया गया जातिवादी और बी दिया गया सांप्रदायिक और यहाँ पर सी दिया गया है धर्मनिरपेक्ष। इसका राइट आंसर जो है आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर जो है आप लोग की यहाँ पर दिया गया 27 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, तो ये जो बना था यहाँ पर 1990 ईस्वी में, तो राइट आंसर आप लोग को 27 का डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो यहाँ पर जो है आप लोग की हो जाएगी 1946 ईस्वी में, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था यहाँ पर कब हुआ था, 2 जून 2014 में, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो हो जाएंगे आप लोग को 30 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो ये जो हुई थी यहाँ पर उत्तराखंड से, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 31 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को जो है कहा जाता है, राइट आंसर आप लोग को ये सही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 33 नंबर प्रश्न है,
33 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। तो भारत में लोकतंत्र की जो चुनौती है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जातिवाद हो जाएंगे, आतंकवाद हो जाएंगे, परिवारवाद हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। राइट आंसर आप लोग को डी सही, यानी कि भारत में लोकतंत्र की जो है इनमें से सभी चुनौती है। राइट आंसर डी सही है, आप लोग को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 34 नंबर है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो ये जो किसने कहा था, तो आप सभी को पता होंगे कि ये जो है यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने कहा था। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो आप लोग को 35 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा जो है कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, निम्नांकित में कौन सा कदम जो लोकतांत्रिक सुधार का जो है सूचक है। तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे पंचायती राज। राइट आंसर जो है 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। तो राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर आप लोगों की, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो ये जो हुई थी यहाँ पर 1951 ईस्वी में। तो राइट आंसर आप लोग को 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 38 नंबर है, बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे यहाँ पर कम है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, यहाँ पर जो आप लोग को हो जाएंगे शिवघर। राइट आंसर जो यहाँ पर डी सही, यानी कि शिवघर का जो है यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे 38 का, बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। तो ये शिवघर का हो जाएंगे, इसका राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर जो है 39 नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है आप लोगों की किसका है, ये दिया गया ट्रेकोट एवं बी दिया गया मार्शल एवं सी दिया गया क्राउनथर एवं डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो टाका है। तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो ये जो है 1904 में हुआ। राइट आंसर आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो भारत में राष्ट्रीयकृत जो बैंक की संख्या यहाँ पर जो है कितनी, 19 है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 43 नंबर है, मानव की यहाँ पर न्यूनतम आवश्यकता क्या है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता जो हो जाएगी यहाँ पर जो है आप लोग को रोटी कपड़ा और मकान। राइट आंसर ए सही है 43 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न दिया गया, इनमें कौन जो है पूर्णत सरकारी सेवा है, इनमें कौन जो है पूर्णत सरकारी सेवा है। तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को यहाँ पर सैन्य सेवा। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 45 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो ये जो किया था यहाँ पर 2005 में। तो राइट आंसर जो है आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 46 नंबर प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है यहाँ पर जापानी भाषा से। तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 47 नंबर प्रश्न दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन प्रकृति आपदा है, निम्नलिखित में कौन प्रकृति आपदा है। तो ये जो प्रकृति आपदा जो हो जाएंगे भूकंप है। राइट आंसर बी सही, आप सभी को पते होंगे। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न दिया गया है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की जो है मदद ली जाती है। तो ये जो मदद ली जाती है यहाँ पर इंफ्रारेड कैमरा का, यानी कि जो इंफ्रारेड कैमरा का जो यहाँ पर मदद ली जाती है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। तो आप लोग को जो परीक्षा हॉल में कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे सोशल साइंस में, तो यहाँ पर 80 दिए जाएंगे। आप लोग को जो है क्या करना है, यहाँ पर जो है 40 का जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आप लोग को क्या करना है, OMR शीट में आप लोग को फिलअप कर देना है। 40 प्रश्न का जवाब जो है करेक्ट आंसर OMR शीट में फिलअप कर देना है। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।